वेलकम टू जयपुर। हैप्पी लोहरी, हैप्पी मकर संक्रांति एंड हैप्पी पोंगल। सो मकर संक्रांति है आज और हम हैं जयपुर में। जयपुर में मकर संक्रांति बहुत जोरों शोरों से मनाया जाता है। यहाँ पे दिन में काइट फ्लाइंग होता है एंड रात को स्काई शॉट्स, स्पेसिफिकली स्काई शॉट्स करते हैं ये लोग। एंड लैंटर्न्स दिखेंगे आपको बहुत सारे, सारा शहर ऐसा लगता है कि दिवाली बना रहे हैं। हम कोशिश तो कर रहे हैं कि हम नारगढ़ फोर्ट जाएं। नारगढ़ फोर्ट से एक्चुअली जयपुर का 360 व्यू मिलता है, तो हमें एक पूरा कवरेज मिल जाता है कि पूरा शहर एक साथ देख रहे हैं। और जो फीलिंग जो आती है कि हम ऊपर से देख रहे हैं और नीचे दिवाली मना रहे हैं। मैंने 10 साल पहले ये एक्सपीरियंस किया था, लेट्स सी इस साल वो एक्सपीरियंस कर पाता हूँ या नहीं। कोविड की वजह से शायद वो जो रेस्टोरेंट है, पड़ाव रेस्टोरेंट, वो बंद है। अगर वो बंद होगा तो हम वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। लेट्स सी। Nargat Fort was open, but the viewpoint Padav restaurant was closed as expected due to pandemic. But we celebrated the kite festival there in the woods of Nargat Fort. There was quite huge rush of people to celebrate the festival there. Be prepared for huge traffic jams. जल महल के बाहर खड़े हैं हम लोग इस वक्त और यहाँ का नज़ारा कुछ अलग ही है। ऊपर हर जगह लैंटर्न्स घूम रहे हैं, चारों तरफ लोग स्काई शॉट्स चला रहे हैं। और काश पड़ाव खुला होता, काश वहाँ पे हमें नारगट फोर्ट से ये व्यू देख पाते तो बहुत मज़ा आता। क्यों? सीरियसली, बट जितना भी देखा इट्स अमेजिंगली ब्यूटीफुल और प्यार हो गया मुझे इस शहर से। लोगों, एवरीवन इज़ सो हेल्पफुल, एवरीवन इज़ एक्साइटेड, हैप्पी, सब जगह खुशहाली है। तो मकर संक्रांति के दिन जयपुर आना कभी मिस मत करना। मैं 10 साल पहले आया था और वो एक्सपीरियंस
मेरे दिमाग में था, मैं शुभि को बताता रहता था और इस साल भी सेम है, बट कोविड की वजह से रिस्ट्रिक्शंस बहुत है, पड़ाव बंद है। तो जल महल हो गया, नारगढ़ हो गया, अब क्या करना है? अब पहले खाना खाना है। सो आफ्टर द लॉन्ग डे ऑफ मकर संक्रांति वी आर बैक एट अवर होटल, वी आर स्टेइंग एट मैरियट जयपुर एंड सी व्हाट इज द सरप्राइज इन द रूम फॉर मकर संक्रांति। आफ्टर अ लॉन्ग टायरिंग डे जब आपको ये छोटे छोटे से गिफ्ट्स मिलते हैं सेइंग हैप्पी मकर संक्रांति, दिस मेक्स यू फील हैप्पी एंड रिफ्रेश्ड अगेन। आई गेस अब मैं चाहूँगी कि अब मैं बस यहीं रहूँ एंड आई स्पेंड माई होल इवनिंग एंड विद ऑल द जिम स्पा एंड स्टीम दे प्रोवाइड अस। जयपुर का नाम कैसे पड़ा आपको पता है? जो यहाँ के महाराजा थे सवाई जय सिंह जी, उन्होंने जयपुर को फाउंड किया था 18 नवंबर 1727 में। उसको जयपुर डे भी कहा जाता है उस दिन। तो ये जो नाम जयपुर पड़ा है ना, ये भी उन्हीं के नाम की वजह से पड़ा है। जय सिंह उनका नाम था तो जयपुर, उन्हीं के नाम पे ये जयपुर बना पड़ा है। और बाद में जो उनके बाद कुछ और बहुत सारे राजाओं ने राज किया था, उनमें से मेरे को नाम याद नहीं है, तो पिंक सिटी किसी और ने बनाया था। मैं थोड़ा रिसर्च करके आपको बताऊंगा ज़रूर कि किसने बनाया था पिंक सिटी। हेलो, हाय, किसको देखो, ये हम किस में चला रहे हैं? गाय। It is the speciality of Makar Sankranti to have sweets made up of peanuts, sesame seeds with jaggery and sugar. In Hindi, gajak, revdi, lots of names. Without this, the festival is incomplete. So we did a complete sweet shopping to stock up the sweets of our road trip back to Noida.
The Jaipur visit is incomplete without visiting the amazing Chowkidani village resort. You will get an experience how Rajasthani villages are with a grand Rajasthani dinner. प्यार का पहला खत लिखने में
हमारा जयपुर का ट्रिप ख़त्म हो गया है, अब हम वापस नोएडा जा रहे हैं। मेरे ख्याल से 4.5-5 घंटे में हम पहुंच जाएंगे। ये ट्रिप हमारा बहुत अच्छा रहा, जैसा सोचा था वैसा ही हुआ है। बस मिस जो हुआ है वो अपना नारगढ़ फोर्ट के ऊपर से हम लोग देख नहीं पाए कि फायर शॉट्स जो ये क्रैकर्स जलाते हैं वो देख नहीं पाए, बाकी एवरीथिंग वाज वेरी ऑसम। क्या बात है ना इन राजा महाराजाओं की,